दोस्तों मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आह्लादित होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात की अमलों के बारे में, अमल के बेसिक गुणों के बारे में बात की, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हमने बात की कि अमल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, इसलिए अमल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अमल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर क्या है, तो मैंने बात बताई थी कि लिटमस पेपर होता है वो एक प्राकृतिक अमल क्षार सूचक होता है जो थैलोफ्राइटा पादप समूह के लिचेन या लाइकेन पौधों की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जिसका उदासीन जो विलयन होता है या उदासीन प्रकृति के रूप में है बैंगनी रंग का होता है। और मुख्य रूप से लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक लाल और एक नीला। हल्दी की बात करूं, लाल पत्ता गोभी की अगर मैं बात करूं तो वो भी लिटमस की तरह एक प्राकृतिक अमल क्षार सूचक है, जिससे हमें ये इस बात की जानकारी मिलती है कि ये अमल है या क्षार है, सूचनाएं देते हैं। ये प्राकृतिक है क्योंकि ये प्रकृति में मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने कुछ कर्तरी में अमल क्षार सूचकों की भी बात की, जैसे मेथिल ऑरेंज जो नारंगी कलर का होता है, एक फिनोफथेलिन जो रंगहीन होता है, और फिनोफथेलिन डाई का प्रयोग 2000 का नोट बनाने में किया जाता है, वही गुलाबी कलर का, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने बात की थी कि जो अमल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और यह बात किसने बताई थी, ओरेनियस ने बताई थी। और जो अमल होते हैं वो सक्रिय धातुओं से या क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि अमल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन बच्चों मैंने ये भी बात बताई थी आपको कि कुछ धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर, ये ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इनके क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। और मैंने बात बताई थी सोना पर सबसे तन्य धातु है, सोना का लेटिन नाम ओरम होता है, चांदी का लेटिन नाम अर्जेंटम होता है, चांदी विद्युत की सबसे सुचालक धातु है, प्लेटिनम सबसे चमकदार धातु है और टंगस्टन के बाद में प्लेटिनम दूसरी सबसे कठोर धातु है। मैंने ये बात भी बात आपको बताई थी, और प्लेटिनम सबसे महंगी धातु भी है। टंगस्टन के बारे में भी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन सबसे कठोर धातु है, टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, इसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3400 डिग्री या मैं कहूं 3450-3500 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास होता है। बल्लभ का जो फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा जो सेना के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, जो टैंक वगैरह होती है, उनको बनाने में टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे अमल कौन कौन से अमल होते हैं, उनके क्या उपयोग होते हैं, हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं अमलों के उदाहरण, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं HCl, याद रखिएगा HCl को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अमल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अमल, हाइड्रोक्लोरिक अमल, याद रखिएगा। HCl का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अमल, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, HCl को हम क्या कहते हैं, नमक का तेजाब। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नमक के तेजाब का सूत्र क्या है, तो आप क्या बताओगे, नमक का तेजाब का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा HCl, HCl को ही नमक का तेजाब कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो HCl होता है वह जठर रस के रूप में, मतलब जठर रस, याद रखिएगा जठर रस में, जठर रस में,
जठर रस में, याद रखिएगा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जठर रस होता है, जठर रस होता है, इस जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आप कहोगे सर ये जठर रस क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो जठर रस है ना वो कौन स्रावित करता है, हमारा आमाशय स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? आमाशय स्रावित करता है, ठीक है ना। और ये जो जठर रस है ना, इस जठर रस की पीएच होती है वो कितनी होती है, 1.2 होती है। 1.2 से अगर मैं रेंज की बात करूं तो 1.2 से 2 के आसपास होती है, 2 तक होती है। लेकिन याद रखिएगा मोस्ट ऑफ दी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जठर रस की पीएच कितनी होती है, तो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी 10th क्लास 1.2 होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आमाशय जठर रस कौन स्रावित करता है, आमाशय स्रावित करता है, इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 1.2 होती है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, जो जठर रस होता है वो हमारे आमाशय द्वारा स्रावित होता है। जब ये अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो हमारे पेट के अंदर मतलब आमाशय में जलन सी उत्पन्न होने लगती है, या मैं कहूं एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो जठर रस है इसके अधिक मात्रा में स्रावित होने पर, अधिक मात्रा में स्रावित होने पर क्या हो जाती है, तो बच्चों याद रखिएगा एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है और खट्टी खट्टी सी डकार आने लग जाती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस एसिडिटी को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा, टीवी में एड भी देखा होगा, नो झिकझिक जब पास हो इनो, ठीक है ना। अगर आपके पास इनो है तो एसिडिटी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस इनो में क्या आता है, तो याद रखिएगा क्या आता है, मैं आपको बताऊं क्या आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। क्या आता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये एक क्षार होता है, क्षार होता है, और इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है? 10। क्योंकि आपको पता है जब अम्ल है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। अम्ल के प्रभाव को कौन समाप्त करता है? क्षार। और जो हम इसको दूर करने के लिए क्या काम में लेते हैं, इनो काम में लेते हैं, और इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, अगर मैं रासायनिक नाम की बात करूं तो इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। ये इनो के अंदर होता है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो HCl और किस में काम आता है, तो याद रखिएगा बच्चों एक्वारेजिया बनाने में। बच्चों याद रखिएगा, आप कहोगे सर ये एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण होता है, बड़ा डेंजर होता है, बड़ा खतरनाक होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सोना चांदी प्लेटिनम होती हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। HCl की इतनी औकात नहीं है कि वो सोना चांदी प्लेटिनम को गला दे, लेकिन आपको पता है संगठन में शक्ति होती है। जब HCl नाइट्रिक अम्ल के साथ में एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो वो एक्वारेजिया बना लेता है, और वो एक्वारेजिया सोना चांदी प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी आसानी से गला देता है। इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा आपसे, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखिएगा, एक्वारेजिया बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, HCl का प्रयोग करते हैं। और ध्यान से समझिएगा, HCl का उपयोग
प्रयोग और कहां होता है, किस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो एक और याद रखिएगा, सिंक व सेनेट्रियों को साफ करने में, सेनेट्रियों को साफ करने में, इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा, सिंक व सेनेट्री साफ करने में, सेनेट्री साफ करने में, टाइल फर्श वगैरह साफ करने में, इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर आपको याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, जठर रस कहां स्रावित होता है, आमाशय में, जठर रस की पीएच कितनी होती है 1.2, अधिक मात्रा में स्रावित होने पर एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकार आने लगती है, ठीक है, जलनसी होने लगती है, और इसको दूर करने के लिए हम इनो काम में लेते हैं, उस इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार होता है, दुर्बल क्षार, क्षार भी कैसा, दुर्बल, और इसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। और एक मजेदार क्वेश्चन, एक मजेदार क्वेश्चन, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो जितने भी हम अम्ल पढ़ेंगे, जितने भी अम्ल पढ़ेंगे उन अम्लों के अंदर हाइड्रोजन जरूर होगा, और हाइड्रोजन जरूर होगा और उसके साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा HCl, HCl एक ऐसा अम्ल है, एक ऐसा अम्ल है जिसमें जिसमें ऑक्सीजन परमाणु, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, ऑक्सीजन परमाणु, या मैं कहूं ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम नहीं होता है। तो याद रखिएगा बाकी सभी अम्लों में, बाकी सभी अम्लों में ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन परमाणु भी होता है, लेकिन इस HCl के अंदर ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है। देखो यहां देख रहे हो, एक हाइड्रोजन है और एक अपने पास में क्या है, क्लोरीन है। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन बात करते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, H2SO4 के बारे में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो अगर आप इनकी पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां जाइए और आप वहां टेलीग्राम चैनल से आप वहां पर क्या ले सकते हो, इन नोट्स वगैरह की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं एक एक चीज पॉइंट आपको अच्छे से नोट करवा रहा हूं, चाहो तो ज्यादा बेस्ट होगा कि आप ब्लैक बोर्ड से ही अपने साथ में लिखते रहें, क्योंकि लिखने से और अच्छा तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट दो नंबर, नेक्स्ट दो नंबर जिसका नाम है H2SO4, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसका क्या है, रासायनिक नाम है, क्या है, रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब मजेदार क्वेश्चन है, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा। तो याद रखिएगा किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा हम किसे कहते हैं बच्चों, हम अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4 को। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 का। और आप एक बात को और ध्यान से समझिएगा, इस H2SO4 के अंदर ये हमको क्या नजर आ रही है, सल्फर। और बच्चों इस सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं, क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं, सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक। इसलिए याद रखिएगा इसे ही हम क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो गाड़ियों की, वाहनों की जो बैटरियां होती है, या मैं कहूं इन्वर्टर की जो बैटरियां होती है, उनमें प्रयोग किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, बैटरी का अम्ल भी कहते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा ध्यान से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि बैटरी का अम्ल किसे कहते हैं।
तो याद रखिएगा बैटरी का अमल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अमल को कहते हैं, याद रखिएगा ठीक है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। देखो ये मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपसे डील कर रहा हूं ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बैटरी का अमल इसी कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग बैटरी की वगैरह में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अमल का, इसे अमलों का राजा भी कहते हैं, इसमें सल्फर है इसलिए इसे गंधक का अमल भी कहते हैं। उसके बाद में ध्यान से समझिएगा इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तेजाब का मूल रसायन, तेजाब का मूल रसायन मतलब जो तेजाब होता है उस तेजाब के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, सल्फ्यूरिक अमल ही होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तेजाब का मूल रसायन कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों नमक का तेजाब HCl को कहते हैं, जबकि तेजाब अगर केवल तेजाब की बात करें तो याद रखिएगा H2SO4 को तेजाब कहते हैं ठीक है ना, याद रखिएगा बड़ा ही काम का क्वेश्चन है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में आता है वो क्या आता है, अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। अब आप कहोगे कि सर ये जो अम्लीय वर्षा है वो क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो अम्लीय वर्षा है उस अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, कारण, कारण सबसे इंपॉर्टेंट। देखो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहां से कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन से ऑक्साइड है, कौन से ऑक्साइड है, तो याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा बच्चों SO2 और NO2 ये दो ऑक्साइड है, ये दो ऑक्साइड है, एक तो SO2 और एक NO2 मुख्य रूप से ये अम्लीय वर्षा के क्या है, कारण है ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लीय वर्षा किन के कारण होती है, ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन देगा SO2 NO2 CO2, CO2 भी होता है लेकिन मुख्य रूप से SO2 और NO2 होता है ठीक है ना, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब आप कहोगे सर अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखो बच्चों जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल होता है, अगर उस वर्षा के जल की पीएच, अगर उस वर्षा के जल की पीएच कितनी हो जाए, मतलब मैं कहूं अम्लीय वर्षा है उसकी पीएच कितनी होती है, 5.6 से क्या होती है, कम होती है। ध्यान से समझिएगा अम्लीय वर्षा की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 5.6 से कम होती है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 5.6 से 2 तक, या मैं कहूं 2 से लेकर 5.6 तक ये रेंज होती है, मतलब जब बारिश की पीएच, आपको पता है मैं बताऊंगा जब पीएच स्केल पढ़ाऊंगा तब आपको कि पीएच, याद रखिएगा अम्लीय गुण बढ़ने पर पीएच क्या होती है, घटती है, जैसे जैसे अम्लता बढ़ती है वैसे वैसे पीएच घटती है, कम होती है ठीक है ना। तो जब बारिश का जल होता है, आसूत जल की अगर मैं बात करूं तो पीएच 7 होता है, जैसे जैसे उसमें अम्लीय गुण बढ़ेंगे तो उसकी पीएच कम होती आएगी, याद रखिएगा। और जब बारिश के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उस वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, और अगर मैं रेंज की बात करूं तो 2 से लेकर के 5.6 होती है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अम्लीय वर्षा, देखो ये SO2 है ना, ये SO2 तो बनाता है किसको, SO2 तो बनाता है वायुमंडल में H2SO4 को, और NO2 किसको बनाता है, HNO3 को, और ये दोनों ही क्या है, अमल है। और जब ये दोनों अमल, आप कहोगे सर ये कहां से आएंगे, जो औद्योगिक कारण इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उनके कारण हमारा वायुमंडल दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडल में SO2 NO2 जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और वाटर वगैरह से क्रिया करके किसमें चेंज हो जाती है, SO2 तो कन्वर्ट हो जाती है H2SO4 में, NO2 हो जाती है HNO3 में, ये सल्फ्यूरिक अमल आ गया हमारे पास में, ये आता है नाइट्रिक अमल, आगे पढ़ेंगे नाइट्रिक अमल। और जब ये दोनों अमल बरसात के साथ आएंगे, बारिश के पानी के साथ आएंगे तो पीएच तो कम हो ही जाएगी, और ये दोनों खतरनाक भी है हमारी त्वचा के लिए। तो याद रखना अम्लीय वर्षा के कारण हमारे त्वचा के कैंसर वगैरह हो जाते हैं, खुजली वगैरह रोग हो जाते हैं,
और जब अम्लीय वर्षा के कारण जो पानी समुद्र वगैरह में जाता है, नदियों तालाब में जाता है, तो वहां बहुत से जीव जंतु होते हैं, क्योंकि वो भी एक एक, एक प्रॉपर माध्यम में रहना पसंद करते हैं, तो वहां का पानी भी अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। तो अम्लीय होने के कारण उनकी भी, उनके जीवन पर भी, उनके अस्तित्व भी, अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। और अगर मैं बात करूं, आपको पता है कोई भी फसल उगाते हैं तो उसके लिए एक अच्छी, एक अम्लीय, क्षारीय या उदासीन मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाय द वे कोई फसल है जिसके लिए क्षारीय मिट्टी की जरूरत पड़ती है, अब अम्लीय वर्षा हो रही है तो वो तो मिट्टी अम्लीय हो गई, तो उसको दूर करने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह चूना पत्थर मिलाते हैं ताकि वो क्षारीय हो जाए, तो नुकसान तो होता है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, यहां तक अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, तो जब जो बरसात का जल होता है, अगर मैं वर्षा के जल की बात करूं, वर्षा के जल, तो जो बारिश का जल होता है ना, वर्षा का जल, वो देखो उसके जब वो जल आता है, अगर मैं बात करूं बारिश का जल होता है, वायुमंडल में CO2 गैस होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए उस वर्षा के जल के अंदर कौन सा अमल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो अम्लीय वर्षा के अंदर तो कौन सा अमल होता है, तो याद रखिएगा H2SO4 व HNO3। HNO3 क्या होता है, अमल। ये दो अमल अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसकी पीएच 5.6 से कम हो जाती है, इसलिए इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। साधारणतः जो वर्षा होती है वह वायुमंडल में जो CO2 होती है उससे क्रिया करके कौन सा अमल बना लेती है, H2CO3, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक अमल। क्या कहते हैं, कार्बोनिक अमल कहते हैं, कार्बोनिक अमल। तो ये याद रखिएगा, जो बारिश का जल होता है उसमें कार्बोनिक अमल पाया जाता है, और ये कार्बोनिक अमल होता है वो टुकड़ों में, मतलब आयनों में टूट जाता है। अगर मैं तोड़ू इसको तो ये H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, ऐसे भी तोड़ सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूं, 2H पॉजिटिव का अलग कर दूं, CO3 2 नेगेटिव का अलग कर दूं, मतलब ये आयनों में टूट गया, और आयनों में टूटने के कारण याद रखिएगा ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो याद रखिएगा वर्षा का जल, वर्षा का जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल की चमक फीकी पड़ रही है, एक बात और लिख लो, ताजमहल की चमक फीकी फीकी पड़ रही है। तो याद रखिएगा जो संगमरमर का ताजमहल है वो संगमरमर का बना होता है, और संगमरमर का सूत्र है CaCO3। CaCO3 ये किसका सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है, इसे ही कहते हैं मार्बल, इसे ही कहते हैं खड़िया पत्थर। क्या कहते हैं, खड़िया पत्थर कहते हैं, इसे ही कहते हैं चूना पत्थर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो ताजमहल की चमक फीकी पड़ रही है वो किसके कारण पड़ रही है, वो भी याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल की चमक क्या पड़ रही है, फीकी पड़ रही है। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर उस देश में खपत H2SO4 की मात्रा से की जाती है। ये भी हमारी NCERT के बुक में एक सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है कि किसी भी देश के औद्योगिक प्रगति की दर है उस देश में कौन से रसायन है उसकी खपत से नापी जाती है, तो वो होता है H2SO4। क्यों, देखो कैसे,
क्योंकि अगर इसका रसायन का उपयोग इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होता है, अगर वो औद्योगिक क्षेत्र अच्छी तरीके से प्रगति कर रहे हैं लगातार, तो आपको पता है इसकी खपत भी ज्यादा हो रही है, इससे उसके प्रगति की दर आसानी से नापी जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश की औद्योगिक जो कारखाने होते हैं उनकी प्रगति की जो दर होती है वो उस देश में खपत H2SO4 की मात्रा से मापी जाती है, मात्रा से की जाती है या मात्रा से मापी जाती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास में H2SO4 होता है वो संप्रक या संस्प्रक, याद रखिएगा H2SO4 को जो उद्योगों के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर जिस प्रक्रम से बनाते हैं, जिस प्रोसेस से बनाते हैं, उसका नाम क्या है, क्या है, तो उसका नाम है संस्प्रक प्रक्रम या संप्रक, काफी जगह ऐसा भी लिखा होता है संप्रक प्रक्रम, ठीक है ना। प्रक्रम से बनाया जाता है, बनाया जाता है, और इस प्रक्रम में जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, उत्प्रेरक, वो काम में लेते हैं प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, ठीक है ना। तो यहां तक आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, बस केवल आप ये याद रख लेना कि किस प्रक्रम से बनाते हैं, संस्प्रक प्रक्रम से बनाते हैं, इस बात को ध्यान रख लिए रख लेना केवल आप। ताजमहल की चमक किसके कारण फीकी पड़ रही है वो याद रख लेना, H2SO मतलब अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल की जो चमक है वो फीकी पड़ रही है दिनों दिन लगातार। और एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल होता है, जो शुक्र ग्रह का जो हमारे पास में जो वायुमंडल होता है वो भी H2SO4 के बादलों से ही बना होता है, मोटे श्वेत बादलों से बना होता है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो पहले चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल होता है वो H2SO4 अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से क्या होता है, बना होता है, इस बात को भी आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो तो ये बात भी आप नोट कर लेना कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह उसका जो वायुमंडल है, वायुमंडल वो भी किससे बना है, H2SO4 एसिड से, ठीक है ना, उसके मोटे श्वेत पीले बादल हैं उससे बना है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आज हम ये दो एसिड कवर करते हैं, इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आगे के कवर करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से प्रॉपर वे में मैं आपको एक एक बात अच्छे से समझा रहा हूं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।